नहीं है, तुम्हारी सैलरी आई है, लो 70,000। तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है? पैसे क्यों नहीं भेजे, सैलरी नहीं आई क्या बबली? आधे पैसे तुम उसको दे देती हो, मुझे तो अभी तक 40,000 ही देते थे। क्या आधे पैसे उसको उसको दे देते दान में? तुम कौन होते हो देने वाले? क्यों देते हो उसको पैसे? घर मैं चलाती हूँ, मैं कटौती करती हूँ घर में, मैं हिसाब से घर चलाती हूँ। मैं कभी अपने माँ बाप को भी दे दिया करो जा करके इतना पैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं रंजाबा करने आ रहा हूँ हाफ सैलरी प्रैंक ऑन वाइफ। तो दोस्तों इस प्रैंक का आइडिया इन भाई साहब ने दिया था, देख लो कमेंट में इन्होंने बहुत किया था, इन्होंने नहीं बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा कि भैया हाफ सैलरी प्रैंक बहुत चला है तो आप कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने इस प्रैंक की तैयारी कुछ इस तरीके से की है। एक तो मैंने अपने बॉस को बोला है कि बॉस मेरे को ना इस महीने 70,000 की सैलरी चाहिए एक प्रैंक करने के लिए, बाद में रिटर्न में आपको 30,000 कैश में दे दूंगा। हाँ तो प्रैंक करने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है, और मैंने बबली को भी बोला है कि बबली मुझे एक टेक्स्ट मैसेज, बबली मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करेगी, तो वो भी आप सुनना। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि तैयारी मैंने बहुत की है रंजना को पूरा पूरा यकीन दिलाने की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल बने और सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। रंजना अंदर टीवी देख रही है, तो दोस्तों चलो करते हैं प्रैंक की शुरुआत। एक कैमरा मैंने पहले से ही लगा दिया है। One minute later. कैसी पिक्चर देखने लग गई हो तुम यार? ये अच्छी है। आजकल तुम्हें वो वाली मूवियां पसंद आती हैं जो सोशल इश्यूज पर होती हैं, या थोड़ी जो फैमिली में इश्यूज वाली, मतलब जैसे तुम में यहाँ पे इश्यू हुए, तुम्हारे दिमाग में इश्यू हुआ हुआ है, वैसी तुम इश्यू वाली पिक्चर देखती हो। मतलब कोई ना कोई परेशानी, हंसी कॉमेडी वाली पिक्चर नहीं देख सकते? क्या चल रहा है तुमको? तो प्रॉब्लम है देखने से? नहीं बताओ तो बंद कर दो, लो बंद कर देती हूँ, लो ठीक है। अरे क्यों बंद कर रही हो? देख लो भाई, परमेश्वर ही देख लो। तो शाम को खाने के टाइम पे ही कहोगी मेरी मूवी रह गई है, मुझे मूवी देखनी है। अब देख लू, देख लो, कोई मना कर रहा है? अरे मेरे फोन में रिंगटोन बजी थी, जरा देना, जरा मेरा मैसेज आया, जरा दो। जल्दी किस बात की है? रुक रुक रुक, दीदी मुझे भी तो देखने दो। ऐसे तुम चेक कर रही हो उसको, क्या करे? उसमें कोई कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया है तो फिर कौन सा आया बता दो। टेक्स्ट मैसेज ही तो आया है। टेक्स्ट मैसेज में देख लेती हूँ ना जा करके। अरे नवीन तो कुछ नहीं है, तुम्हारी सैलरी आई है, लो 70,000। नवीन तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है? 70,000 सैलरी है इसमें? हाँ बढ़ गई। लव कितनी बढ़ गई एकदम से? तुम मुझे तो अगले महीने, पिछले महीने तुमने मुझे 40,000 दिए थे, एकदम से 30,000 कैसे बढ़ गई? कितनी सैलरी आई है तुम्हारी, देख तो लो। कुछ बोलोगे मुंह से? 70,000 सैलरी कैसे आ गई तुम्हारी? बड़ी नहीं है वो, तो तुम्हें खुश करने के लिए बोल रहा था मैं। क्या खुश करने के लिए बोल रहे थे? मतलब कहने का मतलब तुम यह समझो कि हाँ चलो बढ़ गई है, बहुत खुश हो जाओ, हर औरत को अच्छा लगता है ना सैलरी बढ़ने तो से। ये कहां से आ गई? अरे मुझे कल बॉस से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है वो उसने किसी और को कर रहा होगा, फिर मेरे अकाउंट में 70,000 डाल दिया अकाउंटेंट। ऐसी कोई गलती नहीं हो, ठीक है? पागल मत बनाओ मुझे, बात करेंगे। मतलब बॉस तुम्हारे इतने मेहरबान है तो 70,000 सैलरी। तुम बड़ी मूवी देख लो तुम। हाँ देख रहे हो, मैसेज आया फिर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। कहीं बॉस ने तो नहीं भेजा कि गलती से आ गई है सैलरी? अब तो व्हाट्सएप का मैसेज आया, ला दो। अब तो जाओ। सैलरी क्यों नहीं भेज, पैसे क्यों नहीं भेजे, सैलरी नहीं आई क्या बबली? बबली का मैसेज आया है पैसे नहीं भेजे, तुम बबली को पैसे भेजती हो? पार्टी बदल लिया साला। मैं क्यों भेजूंगा पागल, वो पति को भेज रही होगी मैसेज, उसका पति बाहर जॉब में करता है ना, मतलब वो दूसरे सिटी में जॉब करता है।
मतलब तुम्हारे बॉस ने भी गलती कर दी और बबली से भी गलती हो गई, गलती से मैसेज आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है नवीन कि एक ही टाइम पे दो लोग गलती कर दे? नहीं नहीं है, देखो मैं उसको बोलूंगा ना मैसेज करके, तो वो यही बोलेगी कि गलती से हस्बैंड को मैसेज हो गया है। अच्छा कंफर्म कर लो एक बार फोन करके, अभी यूपीआई चेक करती हूँ, अभी पता पड़ जाएगी बेटा। रंजना क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे देख चेक क्यों नहीं करने दे रहे हो? ऐसे कहां से चेक कर लोगी तुम? कुछ गड़बड़ है ना? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। काहे की गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है यार, एकदम से 70,000 सैलरी आ गई और प्लस वो लड़की भी कह रही है बबली की पैसे क्यों नहीं भेजे, सैलरी नहीं आई क्या? इसका मतलब क्या है? मतलब सैलरी नहीं आई क्या? मतलब ये है कि उसको पैसे चाहिए, मतलब कि तुम उसको पैसे देते हो, तुम उसको पैसे देते हो, सैलरी आई है तुम्हारी 70,000 और तुम मुझे देते हो 40,000। प्यारी समझ गई। इसका मतलब यानी कि जो भी पैसे बचे वो तुम बबली को देते हो। बोलोगी कुछ? बबली को देते हो पैसे? रंजना ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम तो कह रहा हूँ यार कि बॉस ने गलती कर दी होगी यार। बॉस ने इतनी बड़ी गलती कर दी? हाँ कोई उनके लिए कोई नई चीज है? बॉस का अकाउंटेंट गलती करता है, ठीक है? बॉस सैलरी स्लिप बना के देता है, ठीक है, पर अकाउंटेंट डालता है उसी हिसाब से। वो इसीलिए रखा जाता है कि उससे गलती ना हो, ठीक है? तो कल पता पड़ जाएगी ना, कल बता दूंगा। चलो ठीक है, पर बबली ने फिर ये क्यों बोला तुम्हें कि पैसे क्यों नहीं भेजे, सैलरी नहीं आई? उसने क्यों पैसे मांगे तुमसे? उसने हस्बैंड को बोला होगा। तो मैं कैसे मान लूं उसने तुम्हें मैसेज भेजा? वैसे तो मेरी सैलरी 1 तारीख को ही तो आती है, आज ये जल्दी आ गई है क्योंकि बॉस को जाना था, उसने सैलरी स्लिप जल्दी बना के दे दी, तो उसने अकाउंटेंट ने भी काम कर दिया, समझ रही हो? मेरी तो आती नहीं है। आती बोलोगे कि मुंह खोलूं तब बताओगे? मुंह तो बैठ जा चुपचाप, जल्दी जल्दी बताओ। औरत का चक्कर बाबू भैया बहुत बेकार होता है, जल्दी बोलो। मैं आधी सैलरी बबली को दे दूंगा? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ वो लड़की तुमसे बोल रही है कि चली नहीं आई, पैसे क्यों नहीं भेजे, इसका मतलब क्या है? मतलब आधे पैसे तुम उसको दे देते हो? मेरे तो फिर 40,000 ही देते थे, मतलब आधे पैसे उसको दे देते दान में? इतने बड़े दानी हो तुम? वो लड़की तुमको इतनी प्यारी है, तुम आधे पैसे उसको दे देते? 1,000 रुपए आते हैं और तुम 40,000 मुझे देते हो, 30,000 उसको पकड़ा देते हो। मैं 40,000 में कब से मैं घर चला रही हूँ, जब से तुम 8 साल पहले जब तुम मुझे 25,000 देते मैं कितनी खुशी होती थी कि यार मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है कि पूरी सैलरी मेरे हाथ में ला के देता है। यानी तब भी तुम्हारी सैलरी और ज्यादा थी पर तुम तब भी आधी सैलरी उसको दे देते थे। नहीं तब तो सिर्फ 15,000 देता। ये फंस गया। तब 15,000 देते थे, यानी कि तुम देते थे ना? शादी से पहले से, जब से जॉब लगी है। शादी से 2 साल पहले देते आ रहे हो उसको? शादी से पहले भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई? शादी के बाद में इतने टाइम निकल गया, तुमने अभी तक मुझे ये बात नहीं बताई? क्या है उस लड़की में, ऐसी क्या बात है यार? तुम पागल हुए जा रहे हो, उसके पीछे क्यों बर्बाद करने लगे हो? वो इतनी नहायत बेशरम लड़की, तुम तो पैसे ले भी लेती है, अपने हस्बैंड के पैसे खाती है, तुम्हारे पैसे खाती है, कितनी नहायत बेशरम लड़की, उसको शर्म नहीं आती क्या? वो लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है और तुम देते क्यों देते हो उसको, क्यों देते हो? अरे उसको जरूरत पड़ती है, उसकी माँ की कोई किडनी फटने की प्रॉब्लम है तो सारी इलाज करा लेती है। अच्छा 8 साल से प्रॉब्लम चल रही है? हाँ तुम झूठ बोलोगे, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके घर में भाई है वो जिम्मेदार है, उसका हस्बैंड जिम्मेदार है, उसके पापा जिम्मेदार है, तुम कौन होते हो देने वाले? हाँ क्यों देते हो उसको पैसे? घर मैं चलाती हूँ, जितना भी कभी ज्यादा खर्च हो जाता है, कभी कम खर्च होता है, मैं कटौती करती हूँ घर में, मैं हिसाब से घर चलाती हूँ, मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ, मैं अपने खर्चे रोक लेती हूँ कि चलो ठीक है इस बार कम है तो कम में चलो, पर तुम मेरे मतलब तो मुझे ही पागल बना रहे हो, उसको पैसे दे आती हो। क्यों परेशान हो रही हो जब मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं दूंगा? बस मैं किसी मालूम नहीं दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इतने सालों से तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम लाओ 8 सालों का सारा रिटर्न, लाओ मुझे चाहिए, ला दो 8 सालों तो मांगू। उसको शर्म आनी चाहिए,
शादी के बाद तो कम से कम छोड़ देती। अरे क्या है पागल बना रखा है, 8 सालों का 10 ही लाख रुपए बैठे आया, कहाँ से आया, उस पर दे भी नहीं पाएगी। लेने ले क्यों लेती है फिर, मैं बात करूं, मैं बोलूं उसको, उसको शर्म आती है, मेरे हस्बैंड का पैसा खा रही है। तो बुद्धि लाओ अपने अंदर, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? नहीं। नवीन पैसा कितना मायने रखता है, हमारे पास एक बच्चा है, उसके पास तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है। पता नहीं हमारा तो बच्चा है, उसके फ्यूचर के लिए सोचना है कुछ, उसको दे देती है। अब नहीं दूंगा ना, कह तो रहा हूं ना यार, एक नंबर की चूतिया हो और कुछ नहीं हो। मैं गजब बेइज्जती है, मैं चूतिया नहीं हूँ, ठीक है? उसके ब्यूटी प्रोडक्ट और इन सब चीजों में खर्च करने के लिए दे देता हूँ, मुझे जब मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी लगे, अच्छे कपड़े पहने, इसलिए हर महीने देते आया हूँ उसको। ये गड़बड़ है बाबा, तो मैं चूतिया नहीं हूँ, अपना मेरा उसमें अच्छी मतलब मेरा अपना फायदा है ना। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें, क्यों फायदा है तुम्हारा, अच्छी लगे का मतलब कहाँ जा रहे हो, अच्छी लगे का मतलब क्या फायदा? सुंदर दिखेगी तो अच्छी दिखेगी तो उसमें तो महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, मैं तो चाहता हूँ कि अरे यार इसीलिए खर्च होते हैं। बड़ा मन लगा रहे हैं उसके साथ, टाइम स्पेंड करो उसके साथ, है ना? मैं कहता हूँ हर बार कोई भी आएगी, जब भी आएगी कोई भी जो उसके कपड़े हैं वो रिपीट नहीं करेगी, हर बार नए कपड़े पहन के आता। मेरे लिए सोचते हो इतना, मेरे लिए कोई कपड़े सोचते हो कि रहना दोबारा रिपीट ना करे? तो घर की हो ना यार, घर में तो तुम्हें जैसे भी चाहे कपड़े में देख लूँ ना, तो मैं डेली कपड़ों में नए कपड़ों में देखना चाहूंगा तो उसमें कहां से पैसे खर्च कर लूंगा। बेवकूफ हो, ये भूसा भरा तुम्हारे दिमाग में, चूतिया बना रही हो तुमको, इसीलिए तुमको सोचू की बंदी इतनी चिपक कैसी गई है, ऐसा कौन सा प्यार होता है यार, शादी के 8 सालों को खुद की शादी होगी, क्यों चिपकी पड़ी है, मेरे हस्बैंड से क्यों छोड़ दी, अब उसकी पता पड़ी कि तुम चूतिया बना के ना पैसे लेती है तुमसे, ठीक है? तुम सोचो मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? बाहर कहाँ जा रहे हो, बाहर कहाँ जा रही हो, किसके जा रहे, बैठो उसके पैसे भेजने जा रहे हो, UPI करने जा रहे हो? अरे है ना, उसका मैसेज आया तो रिप्लाई करना होगा, जल्दी पड़ रही होगी तुमको। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सट्टा लगाने जा रहा हूँ, तुम्हारा सट्टा लगा दूंगा अभी मैं अच्छे से। बदतमीज की शर्म नहीं होती, दूसरी लड़की को पैसे बांट करके आते हो, अभी अपने माँ बाप को भी दे दिया करो जा करके इतना पैसा। बात तो सही है, अपने पापा मम्मी को भेज दिया करो इतने पैसे, देखो खुश हो जाएंगे वो। अरे क्या कर रहे, अब नहीं भेजूंगा ना यार, हाँ मैंने बेवकूफी की है, तो उसको पैसे भेजे पर प्यार था, हक था उसका, तो शादी से पहले उसे देता आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चल तू शादी के बाद भी दूंगा, मैं तो उसको अपना प्यार दिखा रहा था कि चल तू अपने घर से संभाल, जरूरत पड़ती रहती है, चल तू ले ले, चल तू ले ले, उसने कभी मना नहीं किया, मैंने भी कभी रोके नहीं, मैं उसको डालता रहा हर महीने, शादी के बाद भी डालता रहा, फिर भी उसने कभी ये वो, उसकी शादी भी हो गई, पहले हमारी शादी हो गई, चल ठीक है मैं डालता रहा कोई बात नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने मना नहीं किए, उसकी शादी हो गई फिर भी मैंने डाल के देगा, मैंने कि यार ये तो लड़की मना ही नहीं कर रही, फिर मैंने सोचा कि चल प्यार में है वो जता रही है, मतलब फाइनली तुमको पता पड़ गया कि तुम चूतिया हो। मैं चूतिया नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं भी उसका फायदा उठाता हूँ। फायदे के चक्कर में मेरा तो घाटा हो रहा है ना, मेरा पति तो उसके चक्कर में पड़ा है, मेरे घर के पैसे फोन पड़ती ना सबको बता दूंगी मैं, बता देना, शर्म नहीं आती, क्या हो गई हो ना तुम, नहीं दूंगा कह तो रहा, अब नहीं दूंगा कह तो रहा हूं, तो हजार मान तो होता, बताओ 70,000 में शादी, 30,000 रुपए बताओ दूसरी लड़की को देते, धान में आज के टाइम में आदमी 1,000-1,200 रुपए में देने में सोचता है कि इतनी महंगाई में आदमी कैसे खर्च करेगा, कैसे घर चलाएगा, क्या करे, महान आदमी 30,000 रुपए दान मिलेगा तो उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि खूबसूरत दिखाई दे, क्यों बुढ़ापे में अंदर पंजर तुम्हारे ढीले पड़ जाएंगे ना, तब भी दे देते रहोगे। अरे तो मैं इसलिए देता रहा, मैंने कि चलो अब YouTube की वजह से इनकम बढ़ गई है तो मैं देता रहा। अब तुम दुखी क्यों हो बेटा, अब तुमने जो बातें की है मुझे समझ में आ रही है रंजना, कि तुम सही कह रही हो, किसी को ऐसे पैसे देना सही नहीं है, अब नहीं दूंगा, ठीक है, चीतिया मन बना मुझे, ठीक है ना, सब पता है
बेटा तुम इतने चालाक हो ना, मुझे भी पटाके रखते हो, उसको पटाके रखते हो, चालू आदमी हो तुम। 40,000 पूरा जो भी आएगी ना सैलरी मेरे हाथ, 40,000 क्यों, मैं पूरी पूरी सैलरी लूंगी, पूरे 70,000 रुपए मुझे चाहिए, 50,000 मेरे होंगे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना 50,000 रुपए मेरे खर्च के लिए। तो 50,000 तो आने का, तो 20,000 दे दिया करो उसको। तो तुम ही तो कह रही हो 70,000 से 50,000 मेरे अकाउंट में, तो 20,000 यानी उसको। और बोलो, शर्म नहीं आ रही क्या उस लड़की को, नहीं दे रही मैं पैसा, तो बस 50,000 क्यों मांग रही हो बस, मेरे पर्सनल खर्च के लिए, मैं रखूंगा अपने खर्च के लिए। 20,000 में चल जाएगा, 20,000 में तो यूट्यूब सैलरी से खर्च चलेगा, चला होगा 50,000 मेरे, लंबरगिनी खरीदूंगी मैं अकाउंट में पैसा जोड़ जोड़ के, ठीक है। स्पेलिंग आता लंबरगिनी की? आती है, तुम बताएं, तुम हो चले कि तुमको बताएं, डाल हाथ में चलाएगा, ठीक है। जी बताओ तो कोई आदमी यही कहेगा पागल है आदमी, 30,000 रुपए आदमी दे देता है। अरे इतने पुण्य के काम में दे देते ना, मंदिरों में जाकर के अनाथ आश्रम में दान कराते ना, तो खुद पुण्य कमा लेते, लड़की को दे दे क्या? तू कमा ले पुण्य, तू दान कर दे मुझे, मैं पुण्य कमाता रही हूँ तुमको, तुम्हारे जैसे आदमी को झेल झेल के सुख कमाना हो भगवान को, की मेरी जैसी मिली है तुम्हारी जैसी। हाँ ये तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं मिल गई, नहीं तो ना और सब मिलती ना तो दंडे बजा बजा मित्र, मुंह उजड़ दूंगी बोतल, बता दे दिमाग मत खराब कर, तेरे मुंह में क्या जाएगा फिर पता है फिर। देर मैं रिमोट फोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो गलती हो गई ठीक है, बात को खत्म करो ना। अभी भी तो कह रहे हो 20,000 उसको देने के लिए, अभी भी तो वही सुध रहे हो, क्या पता मेरे पीछे दो यूट्यूब सैलरी दे दो अपनी, यूट्यूब का तो पता नहीं रहता उसमें कभी ऊपर नीचे आता रहता है। होगा सोनू को पता नहीं क्या चल रहा है, तुम्हें क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ बताओगे? हाँ ये सोच रहे होंगे कि अब कैसे उसको पैसे दे, चलो 5,000 ले लो, 5,000 दे देना उसको, ठीक है। प्यारी समझ गई। मत रो बेटा मत रो। प्रैंक कर रहा हूँ मैं, ये मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं देता, बबली को एक मैसेज करने को बोला था मैंने, ठीक है, और बबली को मैसेज करने को बोला था और बॉस से बोला था कि 70,000 सैलरी डालना, 30,000 आपको मैं कैश में रिटर्न कर दूंगा, एक प्रैंक करने क्यों, जब ज्यादा मांगते हैं होते तो हर किसी को देते नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक दिन के लिए ज्यादा मांगे, तो दोस्तों सही बात है ही ना, समझ गई ना प्रैंक, 50,000 मेरे अकाउंट में आएंगे, कहां से देंगे, बेवकूफ सी कही थी। तो दोस्तों प्रैंक का आपको ये रिएक्शन कैसे लगे रंजना के, जरा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं हम फिर आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, अब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स बाय बाय, अच्छे अच्छे कमेंट करना, शेयर करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना, और यूट्यूब पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।